हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज हाई तो लगाया था 19.40 रुपीज़ पर और फिर से साइडवेज जाते जाते 19.15 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया। 0.80% आज प्लस में क्लोज हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर मार्केट से उल्टा चलता है। मार्केट में जब गिरावट होती है शेयर में तेज़ी बनती है, जब मार्केट तेज होता है शेयर नीचे चला जाता है। हालांकि बहुत भयंकर तेज़ी या बहुत अच्छा तेज़ी नहीं देखने को मिला, बट थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश ब्राइटकॉम ग्रुप कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो वही रेंज में घूम रहा है, 19-20 रुपीज़ के बीच में ही घूम रहा है शेयर, और वैसा ही अभी भी साइडवेज ही जा रहा है, जो कि आज क्लोजिंग 19.15 रुपीज़ पर दिया। सेल की एमओ लगी हुई है 4,300 शेयर्स की, 4,300 शेयर की सेलिंग की एमओ लगी हुई है, जो कि कोई खास नहीं है। एनएससी और बीएससी मिलाकर अराउंड 1,47,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए। वॉल्यूम भी काफ़ी कम हुआ आज, और डिलीवरी परसेंटेज भी आज वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी बहुत ही कम हुआ। ओनली 36% डिलीवरी देखने को मिल रही है इतने कम वॉल्यूम में भी। मतलब थोड़ा सा लोग अभी वेट कर रहे हैं कोई नए अपडेट का, कोई धमाकेदार न्यूज़ का, उसी के बाद थोड़ा सा फिर से कुछ उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप में तेजी या मंदी आएगी। एक्चुअली आज सैट कोर्ट में सिक्योरिटीज़ अपेलेंट कोर्ट में अभी कुछ आया नहीं है अपडेट, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर उसमें कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है तेज़ी देखने को मिलेगी फिर से। बट ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सैट ने जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम के बीच में सेबी कुछ रिप्लाई देती है तो बात अलग है। तो आज का कुछ अपडेट अभी तक आया नहीं है कि सैट में जो अपील की थी ब्राइटकॉम ग्रुप ने उस पर आज हियरिंग थी, उसका कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, जो कि आप ज़रूर देखना। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी एक बिना कोई न्यूज़ के कारण शेयर अभी ऐसे ही घूम रहा है, एक ही लेवल पे कंटिन्यू चक्कर काट रहा है। तो आशा करते हैं कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और शेयर फिर से रॉकेट बने, कंपनी की ओर से आ जाए या सैट में से कोई आ जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।